हेलो एवरीवन, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आइए, मम्मी को हम लोग की शुरुआत कर रहे हैं सुबह सुबह, और मैं कर रही हूँ गोबर की थपाई। आज गोबर थेपना दो दिन से शुरू कर दिया था, गंदा, और मैं गोबर को आटो मल रही हूँ। आटो करे ना, इना आपको बता रही है कि गोबर को कैसे मलना चाहिए। और बस मैं ये गोबर थापने के बाद में साथ साथ एक काम और चल रहा है, वो भी दिखाऊंगी, खाद डालने वाला। तो ऊपर छत पे हूँ, और अब सोचा था कि मौसम खुल गया तो चलो गोबर की थपाई शुरू कर देवा, क्योंकि भाई सर्दी घनी बढ़ी जाएगी, और आग जलाने के लिए उपला भी चाहिए, बाट रांधन के लिए, पशुआकी के लिए। तो अब ये बारिश का सीजन था, इस वजह से लेट शुरू किया है, वरना नवरात्रों से पहले ही शुरू कर देते हैं। और ये देखिए, मैं दो दिन पहले से ही गोबर की थपाई कर रही हूँ, पर मैं वीडियो में बता नहीं पाई थी, तो आप देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ उपले। वैसे तो मैंने पिछले बार जब उपले बनाए थे ना, तो आपके वीडियो डाली हुई है कि भाई गोबर के उपले कंडे कैसे बनाते हैं। हमारे तो उपले बोलते हैं, लेकिन कई जगह कंडे बोलते हैं। तो और मैं तो है ना भारी भारी कंडे ही बनाती हूँ, कि वो जल्दी बन जाते हैं, फिर टाइम नहीं लगता। और वो छोटे छोटे बनाते हैं ना, फिर उसमें जगह भी ज़्यादा लगती है और फिर समय भी ज़्यादा लगता है। और फिर इसमें ना मैं तूड़ा अच्छे से, या भूसी कुछ भी हो ना, वो अच्छे से मिक्स करके और तब करते हैं, तो ये जलते भी अच्छे से हैं फिर। वरना अगर इनमें भूसी अच्छे से नहीं मिलाएंगे ना, तो फिर ये जल आग तो पकड़ेंगे, लेकिन ये फिर धीरे धीरे जलेंगे। और ऐसे ना थोड़ी सी भूसी ज़्यादा मात्रा में मिल जाए तो ये अच्छे से फिर जलते हैं, आग भी बहुत जल्दी से पकड़ते हैं, और बाट बहुत जल्दी से अच्छे से रंध जाती है। वैसे थोड़ा सा ईंधन डालो और तब की तब ही आग पकड़ लेते हैं। और ये मैं थाप के आ गई नीचे, अरे इन दोनों बहन भाइयों की चल रही नोक जोक, ये आपस में छेड़ कर रहे हैं। बंद कर दी भाई, आज ये भाई, ये आप देख चुके हैं, जब मिल जाते हैं तो छेड़ करते हैं। ये जोधपुर साइड से सी भाईयर, तो ये उस दिन आपने देखा था, गिरा दिया था, लेकिन कुछ एक ट्रॉली और इकट्ठा हो गया, और मैं गोबर थाप तो रही थी, उसको साथ गिरा रहे हैं। दो ये काम खाद डालने का भी चल रहा था, सरसों के लिए बिल्कुल खेत तैयार है। और मैं भाई से पूछ रही हूँ, मैं कहाँ के हो, तो ये बता भी रहा है कि भाई वहाँ से हैं हम। भर जाएगी भाई दो ट्रॉली भर जाएगी, तो इसको और डालना है। तो मैं फिर पशुओं के लिए भी दिखा कि मैं चारों ना बोयो सीव के लेट हाँ, तो चलो वो भी बोल देगा भाई। ये पाइप का मत मार दिए, वाह दबा रखी है ये पानी के लिए, ध्यान करियो। तो ये भाई यार लग गया हुआ सी, अरे या जी जी है भाई, के नाम है आपको? ये सिंबू भाई है, खात गिरन काम करे है, कहीं ना गिरवाना हो तो कॉन्टेक्ट कर सको उसे, दारवेड़ा में ही रही सी। दारवेड़ा में कहाँ रहते हो भैया? है? टेलीफोन एक्सचेंज के पास रही सी, सिंबू नाम है इनका। अरे अब आ गए हैं भाई दोपहर में घर पे, और घर पे ये थोड़ा सा काम चल रहा है, कई दिन हो गए थे, कम से कम एक साल के करीब ये एक पत्थर उखड़ा हुआ था, इसको ठीक करवाना था। तो अब वहाँ प्लाट का काम ख़त्म हो गया है, तो ये पिछले साल यहाँ टाइल लगा के गए, तब भी बोले करेंगे भैया करेंगे, फिर एक अर्जेंट काम आ गया, ये चले गए, ये काम पेंडिंग रह गया था। ये अमन खेल रहा है, अमन क्या खेल रहे हो? अभी इनका टाइम लगा है तब ये आए हैं ये काम करने के लिए। तो ये पत्थर उखड़ा हुआ था, तो मैं इन्होंने सारा ही फिर हटा दिया, पूरी पट्टी, बोले ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, बीच में खाली एक पत्थर लगे तो सीमेंट में भाई थम सरूत काम करो, आपने मिलावट नहीं लग रही है ना, मिलावट आने लग गई ना मिलावट, कि ऐसे ही है सीमेंट मिलावट है ना, पहले बार सीमेंट जो नहीं है नहीं है ना, आप
पहले देखा करता कितनी ब्लैक ब्लैक सीमेंट होया करती, और मुझे तो इस सीमेंट की क्वालिटी बहुत घटिया लगी। कहने को तो ये अल्ट्राटेक की है, लेकिन पहले जैसे हम देखते थे ना सीमेंट ब्लैक 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 सा स्लिटी स्लिटी गहरा कलर होता था, अब थोड़ा ना जैसे मिट्टी का सा वो हो गया, जैसे इसमें कुछ मिक्स कर रखा हो। तो ये भैया भी कह रहे थे, बोले हाँ अब पहले जैसी नहीं आती, अब मकान ना की नुई तो वो हो रही है। और ये अल्ट्राटेक थी सारी, ये ग्वेरी टाइल में कौन सी लगाओ, जेके सुपर टाइल में सही है या भी फिर मिलावट या फिर के फायदे। ये गैस बनने के और उखड़ने की वजह से सारा ही उखाड़ना पड़ा, बोले फिर एक जैसा सा डिजाइन हो जाएगा। तो भाई ने ये मसाला तो सूखा तो पहले भी छा लिया था, अब सीमेंट कटिंग वगैरह कुछ काम है ना भाई, अब इसको लेवल कर लिया, पत्थर की भी कटाई कर ली, तो अब इसको बिछाएंगे इसके ऊपर से। तो ये जैसे पहले पत्थर डाल के देख लिए थे ना, तो कहीं थोड़ा सा दर्द जगह का मतलब गैप था कि भाई हवा का दाब बढ़ेगा, वहाँ पर ये कर रहे हैं। आप और मसालों चढ़ा रहे भाई, मन्ने रखेंगे इसके ऊपर सीमेंट का घोल लगाएंगे, वहां से मन्ने इधर ऊंचाई दिख रही थी, अब सही लेवल है, कम से मिलान पड़ेगा नहीं ठोकर बन जाएगी। और बच्चे शरारत कर रहे हैं, हम भी अपने फिर आपने लेवल कर दिया तो फिर अब दोबारा क्यों डाल रहे हैं, ये थोड़ी सी देर बैठेगी नहीं, मेरे 3 बजे का टाइम हो गया दोपहर का, तो सानी से पानी का भी टाइम हो गया। पर मैं था ही इतने माहौल में देख कहूँ भाई के कर रहे हैं, इस वजह से घर आ गई थी, डर जा मैं डर जाते कुबद है कि मैं गुस्सा हूँ, तूने फंस गई ना मैं। हाँ और साथ में सोचा कि ले पत्थर अगर फालतू बचे तो किम चकड़ो चुकड़ो बनवा दूँ, पाटी पुट्टी बनवा दूँ, तो ये वहाँ से प्लाट से ही काट के लिया है या ना काटा। तो ये जैसे सफ़ेद पत्थर जो उखाड़े थे ना, वो यूँ के यूँ साबुत ही उखाड़ दिए थे, वो भी बचे हुए हैं, बस दो ही पत्थर टूट रहे थे वो ही निकाले थे, और तो सारे इकट्ठे थे, पर उनके नीचे ना मसाला लगा हुआ है, तो इस वजह से बोले ये काम के ना है। तो ये भाई डाल के ये सीमेंट को गोल और अब रखेगा, ये सूखा मसाला है पानी सूख लेगा ना भाई पत्थर। बस ये जिग जैग का वो बना रहे हैं, ये कहते हैं इससे ना फिर इस मसाला अच्छे से पकड़ कर लेगा, पानी सोख लेगा। ये आप जिग जैग क्यों बना रहे हो, अंदर पहुंच जाओ ना। अच्छा, और बोले हवा का दबाव भी नहीं बनेगा, तो मतलब ये तो अच्छी बात है। और अब इसके ऊपर रखेंगे ये पत्थर, इसी तरह से ये सारी लाइन वाइज लगाते रहेंगे सारे पत्थरों को। और मैं तो कह रही भाई मैं घर जा रही हूँ, मैं भाई में चाय बना के भी भेजूँगी, क्योंकि शानी का टाइम हो गया, सर की आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, उन्हें थोड़ा सा जुखाम लग गया रात को ना, एसी ऑफ नहीं कर पाई, ध्यान आँख ही नहीं खुली, तो उस वजह से ना उनको थोड़ी सी जुखाम लगी हुई है। तो मैं सोची चलो मैं ही अकेले शानी कर लूँ, तो मैं भाई शानी करके दूध निकाल के फिर आप पता जरूर की चाय बना के भेजूँगी। तो भाई मैं तो चलने की तैयारी करूँ, भाई अपना काम करता रहेगा। और ये ऐसे ना ये पत्थर को रख के फिर इसको थोड़ी के हाथे से तो थोड़ा थोड़ा फूट के बोले लेवल कर लाऊँ कि और ये जो थोड़ी सी हवा का दबाव होगा वो भी निकल जाएगा और अच्छे से सैर हो जाएगी। तो ये काम कर रहे हैं, और ये प्लांट में बच गए थे पत्थर ग्रेनाइट वाले, तो यही लगा दिए, एक्स्ट्रा आ गए थे कुछ पैड़ी पे लगवाए थे वहाँ से। वो कौन लाग रहे भाई, तो उधर मिलेगा,
बस वही मैं जा रही हूँ प्लांट में और ये काम चलता रहेगा। कल आपको इसे दिखाऊंगी फाइनल टच। और अड़ंगा पार्क में बहुत ज़्यादा खिल गया है क्योंकि नीचे से भी इसके वो निकाला था ना चूना मसाला। तो शाम में आज है ना तो ज्यादा ये देख जी मांझ के दर इस वजह से ना दिखा पाए रही गाली है। फिर श्याम ने अब कुछ खेत में भी काम चल रहा खेत की तरफ चला जा सा तो फिर अंधेरा हो गया था इस वजह से भी मैं ना फिर है कि धुआई वगैरह भी हो रही थी क्योंकि सारा खराब हो गया था ये धूल मिट्टी क्यों पत्थर काटा पत्थर कटा जब आपने पता है कितनी धूल मिट्टी हो जाए इसे तो वो धूल मिट्टी सारे फैल गई थी और यही जिगजैग वाले प्रोसेस के कंटिन्यू ऐसे ही सारे पत्थर लगाएगा। उस दिन फिर कड़ी बनाई पर देखी उसमें उन्होंने लगाई टाइल। मैंने कहा था मगर भाई ये सफ़ेद पत्थर जो बचे हुए ये लगा दो सब बचे तो हुए ही हैं। फिर बोले नहीं ये मसाले में पकड़ ना करेगा क्योंकि उनके नीचे थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था। तो मगर चलो ठीक है और भाई चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। बहुत मेहनत करके वीडियो बनावा है और ये है देखो लगने के बाद में कुछ इस तरह का दिख रहा है पत्थर बहुत अच्छे से। और क्योंकि कल ये भाई ने जाना है अपने गांव तो बोला कि भाऊ जी भी करवा लो काम सारे तो बोले फिर जाया बाद ना हो तो भाई चैनल ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम खुश रहो मस्त रहो स्वस्थ रहो।